हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे जो कि 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानने और समझने से पहले हमें रेगुलेटिंग एक्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, उसमें प्रोविजंस क्या क्या थे और उसमें कमियां क्या थी, इन सब का मैंने डिटेल में इन सब के बारे में वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पिट्स इंडिया एक्ट को अच्छे से समझना है तो उसके पहले आपको रेगुलेटिंग एक्ट का आना, उसको समझा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए मेनली पिट्स इंडिया एक्ट ले आया गया, ठीक है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो सबसे पहले हम कि रेगुलेटिंग एक्ट में आखिर कमियां क्या थी, तो उसमें जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश कर दी गई थी कलकत्ता में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल के बीच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल के पास किसी भी तरीके की कोई वीटो पावर नहीं थी उसकी काउंसिल में, और ना ही उसके पास, ठीक है। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे। पहला, फॉर पॉलिटिकल मैटर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड एंड फॉर कमर्शियल अफेयर्स द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज अपॉइंटेड। तो इनडायरेक्टली पिट्स इंडिया एक्ट से डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया एंड जो कमर्शियल मैटर्स थे, कमर्शियल अफेयर्स थे, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया। यानी कि सिर्फ एक कमेटी, सिर्फ एक जो होती थी मंत्रिमंडल आप बोल सकते हैं, कैबिनेट, एक कमेटी, वो लोग सिर्फ अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं चलाएंगे, ठीक है। अब दो होंगे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो मिलके ही किसी भी तरीके का रूल, रेगुलेशन कुछ भी पास करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, इट कंप्राइज्ड ऑफ 6 पीपल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल मैटर्स को देखती थी, वो सिविल और मिलिट्री ये दो तरीके के काम करती थी, ठीक है। जो सिविल काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे, और जो मिलिट्री अफेयर्स होते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, किस मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे थे, जो यहाँ के डोमेस्टिक अफेयर्स थे, डोमेस्टिक राजा थे, इनके बीच में इनका पर्सनल उसमें घुस घुस के एक दूसरे से लड़ाई करवाना, उसमें अपना फ़ायदा निकलवाना, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा था जो कि सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखता था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते थे वो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर होते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड होते थे, यानी कि वो यहाँ इंडिया में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या होते थे, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग होते थे। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एंड 4 क्या होते थे, प्रिवी काउंसलर्स होते थे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, काउंसलर ऑफ सॉरी चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी कि जो वित्त वित्त वगैरह ये सब वाला पैसे वाला काम संभालते थे वो, और 4 हो गए हमारे प्रिवी काउंसलर हो गए, ठीक है। वो आप यहाँ से देख चुके होंगे कि डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल यानी कि कंपनी का जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मतलब कि रेगुलेट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा रेगुलेट कर रही थी, ठीक है। यानी कि कंपनी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से ये डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो गया। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूज टू 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन्स आर्मी इन इंडिया। तो अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें एक प्रोविज़न था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी, 4 मेंबर की काउंसिल होगी, ठीक है। तो 4 मेंबर की काउंसिल थी, जिससे उसमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादातर फैसले जो होते थे, जो बिल एक्ट पास किया जाता था, वो मेजॉरिटी पे होता था। तो उसमें जो 3 मेंबर होते थे वो एक साथ हो जाते थे। तो गवर्नर जनरल भले ही कोई भी काम करना चाह रहा हो, कोई भी बिल पास करना चाह रहा हो, वो अच्छा हो बुरा हो वो तो बात की बात है। पहली बात कि वो बिल पास ही नहीं हो पाता था, क्योंकि मेजॉरिटी 3 लोगों की वो एक तरफ हो गए। तो एक एक जो मेंबर होता था वो और एक गवर्नर जनरल, तो वो 2 मिलके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी तो अगेंस्ट में है आपके। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिया गया, ठीक है। और उसमें एक मेंबर जो होता था वो कमांडर इन चीफ होता था, और ब्रिटिश क्राउन की आर्मी की तरफ से इंडिया में अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, डायरेक्टली। तो अब जब 3 मेंबर्स की हो गई, तो अब तो भाई आप कितना भी मेजॉरिटी एक तरफ, या तो आप बराबर बराबर हो, ठीक है, दो एक तरफ, या तो फिर आप जो है भाई 3 एक तरफ और 1 एक तरफ, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को भी यहाँ पे थोड़ी सी पावर दी गई कि गवर्नर जनरल अगर 2 और 2 की बात होती है, यानी कि कोई भी बिल, कोई भी नियम कानून आता है, उसमें 2 मेंबर एक तरफ है और 2 एक तरफ है, तो गवर्नर जनरल जिधर होंगे उधर उधर जो है ज़्यादा बैलेंस, मतलब कि उधर की पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये अब इसमें नया एक प्रोविजंस ले आया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम द सब ऑर्डिनेट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। आप रेगुलेटिंग एक्ट में देखेंगे उसमें क्या था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेट तो थी, पर फुल्ली सब ऑर्डिनेट नहीं थी, यानी कि उनका जो फॉरेन अफेयर्स था वो जो है इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता था, बंगाल के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा। बाकी कुछ वो अपने डोमेस्टिक मामलों में फ्री थी। लेकिन अब क्या था कि बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को टोटली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को टोटली बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट बना दिया गया, इसके अंडर ले आ दिया गया। एंड कलकत्ता बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और पहली बार जो कलकत्ता था उसको कैपिटल बनाया गया, जो भी ब्रिटिश पोजेशन था उस समय, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये सब अगल बगल का क्षेत्र जो भी था, उन सब का कैपिटल किसको बनाया गया, कलकत्ता को बनाया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, इनकी कमियां क्या थी। पहला, द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश क्राउन। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल फ्री था एटलीस्ट, ठीक है, बस उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही, ब्रिटिश क्राउन को ही अपनी जवाबदेही देनी होती थी, वो बस उसी के लिए अकाउंटेबल था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के बाद अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी अकाउंटेबल है, अब उसको उसकी भी जवाबदेही करनी पड़ेगी, एंड ब्रिटिश क्राउन यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी वो अकाउंटेबल हो चुका था गवर्नर जनरल, ठीक है। एंड देयर वॉज नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द सेम थिंग, ठीक है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया था, जिससे उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस होते थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो बना दिए गए, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन किसको हेड करेगा, किसकी बात किसको माननी है, इस तरह की कोई भी बाउंड्रीज़, कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखी गई, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को हुई, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसके बाद कौन सा एक्ट आया उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।